हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू एंजॉयड प्रीवियस असाइनमेंट। टुडे क्लास इज ऑल अबाउट डिवीजन। द टर्म्स यूज इन डिवीजन आर डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल 75 डिवाइडेड बाय 9। फॉर एग्जांपल एट 9 8 72, यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 3। हेयर 8 इज कोशेंट, 75 इज डिविडेंट, 9 इज डिवाइजर एंड 3 इज रिमाइंडर। लिख देते हैं 75 इज कॉल्ड डिविडेंड, 9 इज कॉल्ड डिवाइजर, 9 इज कॉल्ड डिवाइजर, 8 इज कॉल्ड, 8 इज कॉल्ड, 8 इज कॉल्ड कोशेंट, 3 इज कॉल्ड रिमाइंडर। द आंसर ऑफ ए डिवाइजर ऑपरेशन कैन बी वेरीफाइड इन फॉलोइंग मैनर्स। वेरीफिकेशन कैसे करेंगे हम? मेरा ये जो डिवाइड किए हैं वो मेरा सही है या गलत, इसका वेरीफिकेशन हम करेंगे। वेरीफिकेशन कोशेंट कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बराबर होता है डिविडेंड। एग्जांपल यहाँ है, 75 जो है डिविडेंड है, तो अब कोशेंट है 8। यहाँ कोशेंट आपको देना, पहले कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस रिमाइंडर 3। 8 9 72 प्लस 3 75। डिविडेंट निकल गया आपका, डिविडेंट हो गया 75, डिविडेंट 75 यहाँ। अब है हम लेटेस्ट प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ फाइंड द कोशेंट एंड डिविडेंड इन द फॉलोइंग, इसमें आपको कोशेंट और डिविडेंड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 48,727 डिवाइडेड बाय 7। 7 को डिवाइड करना है, 48,727। अब हमको यहाँ पर देखना है, क्योंकि 7 का टेबल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 7 का टेबल को, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो 48 आ जाए। कितने 48 अगर नहीं आता है तो इसको चूँकि माइनस करना होता है डिवीजन में, इसीलिए इससे स्मॉलर नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। तो 7 7 जा 49,
और 7 6 42 माइनस कर देंगे, 8 में से 2 माइनस हो गया 6। यहाँ फिर हर बार हम एक यहाँ से हम उतारेंगे, 7 9 63। 7 के टेबल में 67 नहीं आता है, तो इससे नीचे का नंबर होगा 63। फिर हम माइनस कर देते हैं 4, यहाँ एक नंबर हम ऑलरेडी उतारते हैं हर बार हम, 7 6 42। फिर हम यहाँ 7 उतारते हैं, 7 1 7। तो कोशेंट आ जाता है 6961 और रिमाइंडर आता है मेरा 0। यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं है तो 0 आ गया। अब फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 29। यहाँ सेकंड है 15 से डिवाइड करना है, तो 15 का टेबल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 7 के डिवाइड टेबल जानते थे और बना लिए हैं, वैसे 15 का भी टेबल जानते हैं बन जाएगा। वैसे यहाँ 29 का टेबल हम चूँकि नहीं बना पा, है 29 यहाँ रफ कर लेंगे, हम देखेंगे कितने बार में आ रहा है। तो यहाँ 29 को पहले हम 2 बार से हम डिवाइड अगर करते हैं तो 58 आता है, तो यहाँ 97 है, तो हम 3 बार करके हम देखते हैं तो 3 से करते हैं तो हमको 87 आता है, 87। तो 7 को 7 से माइनस करेंगे 0, 9 से 8 माइनस करेंगे 1। फिर हम 1 डिजिट यहाँ से हम उतार लेंगे। फिर हम देखते हैं अगर 3 4 से डिवाइड करते हैं तो 104 से ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए हम 3 से ही पुनः डिवाइड माइनस कीजिए 7 1। फिर 1 डिजिट यहाँ से उतारते हैं, अब हम 5 से देखते हैं लगा 145। 13 में 5 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 6 4 माइनस 2। फिर 1 डिजिट यहाँ से हम लाएंगे, हम देखते हैं 9 से 283, 9 से हम लगाएंगे 261। जी में से 1 माइनस हो गया 2, 8 में से 6 माइनस हो गया 2, यहाँ हम 5, यहाँ 7 से हम डिवाइड करके हम देखेंगे तो 203 आता है, 203, 3 5 में से 3 माइनस हो जाएगा 2, यहाँ समाप्त हो गया। अब फिर हम एक डिजिट बच गया है 6 6 उतारेंगे, फिर हम देखते हैं 7 से लगा, 7 से ही आ जाएगा 203। सिक्स में 3 माइनस हो गया 3 2, कट गया 3, यहाँ हो गया रिमाइंडर, क्या हो गया 3 रिमाइंडर, और कोशेंट हमारा हो गया 3,35,977, रिमाइंडर है 23। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, डिवाइड करना है, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। हम वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैकेट कैन होल्ड 185 ग्लासेज, एक पैकेट में 185 ग्लासेज है, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक इतना
8,35,335 ग्लासेस, एक पैकेट में 185 ग्लासेस हैं, तो 8,35,535 ग्लासेस के लिए कितने पैकेट की ज़रूरत होगी, यही है आपका क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं, सिंस 185 ग्लासेस होल्ड वन पैकेट, देयरफॉर वन ग्लास होल्ड्स 1/185 पैकेट्स, देयरफॉर 8,34,535 ग्लासेज होल्ड वन ग्लास के लिए क्या था, 1/184, तो 8,34,535 ग्लास के लिए 8,34,535 / 185 पैकेट्स। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम देखते हैं कितना आता है। वन हंड्रेड एट्टी फाइव से हम डिवाइड करते हैं, फोर से हम डिवाइड करते हैं, फोर नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस करेंगे हम टू, यहाँ हम थ्री हम यहाँ से लाएंगे, फिर वन से 185 टाइम्स जीरो टेन एट 185 थ्री थर्टीन, थर्टीन में से एट नाइन, नाइन में से एट माइनस होगा वन, फिर हम यहाँ से फाइव लाइन, फिर वन बार 100 या डिवाइड करने पर 4,511 पैकेट की ज़रूरत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन इज 4,35,42,675। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन, अगर 225 वॉशिंग मशीन का कॉस्ट है 5,35,42,675, तो वन वॉशिंग मशीन की क्या कीमत होगी। चलिए हम देखते हैं फिर, द कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन इज रुपीज 4,35
42,675. The cost of one washing machine. मशीन एज डिवाइड कर देंगे हम 4,35,42,675 डिवाइडेड बाय 225. हम फिर रफ करके हम देखते हैं. यहाँ से 1 डिजिट हम लाएंगे. यहाँ अब 9 से 2025 को 5 माइनस हो गया 9, 9 में से 2 7 कट गया. अब एक डिजिट फिर हम यहाँ पर से उतारेंगे. 4 है 2 3 से 675. 12 में से 5 माइनस होगा 7. 8 से 7 माइनस होगा 1. 7 में से माइनस 1. फिर हम यहाँ से हम क्या उतारें 6. 2 6 उतार वहाँ लाएंगे हम 5 5 5 25 5 10 25 12 10 1 11. 6 में 5 माइनस 1 7 में से 2 माइनस 5 6. यहाँ फिर 7 यहाँ से हम एक डिजिट उतारेंगे हम 2 से 5 2 10 5 2 10 2 2 4 5 2 2 4 7 11 में से 5 माइनस हो गया 6. हम यहाँ फिर हेयर 5 3 3 3 5 15. हैंड नंबर वन 3 2 7 3 2 6. यहाँ पूरा कट रहा है. अब तो द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी 1,39,93,523 rupees. आप पुनः 3 4 इसी तरह बना लेंगे आप लोग. यही है सेम. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज क्लीन एंड इजी टू Is you for all of you.